नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैष्णव समाज पर। और आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं। और सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और काफ़ी लोगों को शेयर किया अपने समाज में। और साथ में उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने इस चैनल पे अपने सुझाव दिए। और हम प्रयत्न करेंगे कि आपको नई से नई जानकारी देते रहें। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी वैराग्य वैष्णव समाज की जानकारी सबको मिल सके। चलो तो अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। वो है जानकारी है संत रामानंद जी के बारे में। तो इसमें संत रामा जी के इतिहास और उनकी जीवनी में के बारे में हम बात करेंगे। तो स्वामी रामानंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वैरागी समाज या वैष्णव समाज के बहुत बड़े संत माने गए हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जो भी वैरागी समाज या अपना समाज के लोग हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं कि संत रामानंद जी का हमारे समाज में क्या महत्व है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं स्वामी रामानंद जी के इतिहास की या थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी की। तो रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में मानो एक पुल थे। ठीक है, और ये जो उत्तरी भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसके प्रवर्तक माने गए, मतलब प्रवर्तक मतलब जनक माने गए हैं। और इन्होंने ही भक्ति के द्वारा जो आम जनता को एक मार्ग दिया और संत रामानंद जी ने एकेश्वरवाद पर जोर देकर बोले कि श्री राम की भक्ति पे बल दिया। उस सदा उन्होंने जाति भेद भाव उस सामाजिक समानता पर बल दिया। सबसे बड़ी बात ये कि रामानंदी ने जो भी उपदेश दिया आम जनता को वो संस्कृत में नहीं दिया बल्कि आम बोलचाल की जो भाषा है वो सिंपल वाली हिंदी जो है उसमें दिया। जिससे क्या हुआ कि जन जन में साहित्य का विकास हुआ, क्योंकि जो को आम आदमी जो है पहले भी संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे या समझ नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने आम बोलचाल में दिया। और जो रामानंद के शिष्यों की बात करें तो सभी जाति के लोग थे उनकी शिष्य, जिसमें प्रमुख रैदास, बीर, धन्ना। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं थोड़ा रामानुजा की थोड़ी जीवनी पे। तो ऐसा माना जो रामानंद जी का जो था जन्म जो था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी के अन्य स्वामी रामानंदाचार्य के नाम से भी जाना है। और इनके वैसे जन्म में कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो 1236 के आसपास हुआ था। और इनकी माता का नाम पुण्य सदन व माता का नाम सुशीला देवी थी। यदि किसी भाई के पास पूरी जानकारी है, कहीं किसी ग्रंथ में मिल जाए तो ज़रूर शेयर करें और हम इस वीडियो के माध्यम से इसको सही करने का प्रयास करेंगे। तो जो मुझे जानकारी है, जो मुझे उपलब्ध साहित्य वगैरह से जो मुझे पता चला है, तो उसमें इनका जो जन्म जो है 1236 के आसपास का बताया है। कुछ लोग जो है इनका जन्म जो है एक डॉक्यूमेंट में मैंने पढ़ा था कि इनका जो जन्म है वो 1017 में मद्रास के पास हुआ था। ठीक है, तो अब जन्म में तो थोड़ा इनके में वो है। ठीक है, तो रामानंद जी ने जो कार्य किया है
सबसे जो बड़ा जो इनका है कि जो राम की सैकुन भक्ति को सभी वर्गों से पहुंचाने का कार्य किया है। इनके बारे में एक सूक्ति है, द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद विचरित है, जिसका मतलब है उत्तर भारत में जो भक्ति फैलाने का जो श्रेय यदि किसी संत को जाता है तो वो रामानंद जी को जाता है। उन्होंने उस समय समाज में जो प्रसिद्ध रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास थे, जैसे कुप्रथाएँ थी, उनका विरोध करके समाज में एक समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। अब बात करते हैं कि संत रामानंद जी ने क्या की देन क्या है। ठीक है, तो उन्होंने 11वीं 12वीं सदी के दौरान अपने विचारों कार्यों से एक अलग ही युग की शुरुआत की। ठीक है, और उन्होंने ज्ञान मार्ग की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा को मोक्ष के अधिक आवश्यक माना। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ईश्वरीय कृपा को अधिक माना। ठीक है, और रामानंद जी जो ईश्वर के जो गुण बताए हैं वह सगुण बताए हैं और भक्ति मार्ग पर चलने का किया। ठीक है, और सबको भक्ति कैसे की जाए इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। ठीक है, और बात करें इनके शिष्यों की तो इन्होंने शिष्य में ऐसा नहीं रखा कि भाई एक ही जाति के शिष्य रखे हैं। इनकी जाति में सभी जातियों के शिष्य थे जो अपने यहाँ जाति व्यवस्था है, और इन्होंने भक्ति को वैदिक परंपरा से जोड़ा और भक्ति पे आधारित जन आंदोलन, वेदों आधारित उच्च जाति आंदोलन के बीच के सेतु का काम किया। ठीक है, तो इन्होंने विस्तृत द्वितीय दर्शन का की प्रतिपादन करके जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया, और रामानंद के अनुसार ईश्वर जीव जगत तीनों सत्य हैं और तीनों में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, तब एक प्रकार का संबंध है। अब बात करते हैं इनके शिष्य की, इनके स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा। तो इनका जो बात करें तो इनके रामानंद के शिष्य, रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद, और उन्हीं के श्री मठ में जो है स्वामी जी ने शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की, विभिन्न बहुत सारे जो है धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन से विद्वान बने। उस सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति धारा इनकी छत्र साया में पनपी, और वैसे तो इनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं लेकिन जो प्रमुख शिष्य हैं उनका नाम बता देता हूँ सॉरी, अनंतानंद, भावनंद, पीपा, सेन, धन्ना, नाभादास, नर हयानंद, सुकानंद, कबीरदास भी इनके शिष्य थे, रैदास, सुसरी, पद्मावती। और सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया है भारत में जो रामानंद संप्रदाय या रामावत संप्रदाय जो है वो सबसे बड़ा वैष्णववत के रूप में जाना जाता है, जिसकी वर्तमान में 36 उपशाखाएं हैं। और इस मत के जो संत हैं या भक्त या संत, वो संत वैरागी के नाम से जाते हैं, और इनकी प्रमुख मठ श्रीमठ ही है। इसके अलावा इनकी अन्य मठ भी हैं जैसे वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, सारे संपूर्ण भारतवर्ष में फैली है। और जो ये जो कम 112 जो एक बोलते हैं 112 साल की आयु में रामानंद जी का देहांत हुआ है, और जो उनके अनुसार ये 1411 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। तो रामानंद जी जो थे बड़े विलक्षण संत थे, और इनके शिष्यों के ऊपर भी मैं एक बार जानकारी लेके आऊँगा। तो जानकारी लेने में, ढूँढने में और उसको कितना सही है थोड़ा करने में टाइम लगता है, तो मेरा वीडियो बीच बीच में आने में थोड़ा समय लग जाता है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जानकारी कम हो लेकिन सही हो,
ये सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मैं अभी आप सब लोगों से जो विदा लेना चाहूँगा, वो साथ के साथ आप लोगों का सुख धन्यवाद अदा करूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ ये सारी जानकारी जितने भी हमारे बाकी समाज के लोग हैं, ठीक है, उन तक पहुँचाने का प्रयास करें। और आगे भी हम इसके बारे में वो जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री राम और वैष्णव समाज की जय हो।